हम लोग जोगिंदरनगर में हिमाचल किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI, जनवादी महिला समिति, CITU और SFI के बैनर तले ये ज्ञापन जो है हिंदुस्तान के राष्ट्रपति महोदया को हम जो है भेज रहे हैं माननीय STM साहब के माध्यम से। और हम लोग तत्काल कार्यवाही की मांग करते हैं मणिपुर के मुद्दे पर। जैसा आप सबको मालूम है कि पिछले 86 दिनों से मणिपुर जल रहा है जातीय हिंसा की आग में, और उसके साथ साथ मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा समय से अनगिनत हत्याएं हुई हैं सैकड़ों की तादाद में। 70,000 लोगों को जो है अपने घर बार छोड़ना पड़े, यानी कि वो बेघर हुए हैं। हजारों की तादाद में प्रॉपर्टियों पे कब्जा हुआ है, जला दी गई हैं, नष्ट कर दी गई हैं, और उसके साथ साथ अनगिनत महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, यौनाचार हुआ है, और उसके साथ साथ जो है बलात्कार जैसी घटनाएं और सामूहिक बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं जो है सामने आई हैं। और जब 70 दिन बीत गए घटनाक्रम को, तो उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ, और उस वीडियो से पता चला कि वहां पर जो है 2 महिलाओं को हिंसक भीड़ ने निर्वस्त्र किया, उनको जो है उनकी परेड करवाई सरेआम, और उसके बाद उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में, एक ऐसे सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि एक चुनी हुई सरकार मणिपुर के अंदर, एन बीरेन सिंह वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, और भाजपा की सरकार है, और दिल्ली में जो सरकार है केंद्र में मोदी जी की, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा कि इस तरीके के घटनाक्रमों पे सरकार ने कभी भी जो है कठोर कार्यवाही नहीं की है। तो मणिपुर के अंदर ये जो सारी घटनाएं हुई, इन घटनाओं पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, और मणिपुर में आप सबको मालूम है कि इंटरनेट के ऊपर प्रतिबंध था, तो ये घटनाएं उजागर उस रूप में नहीं हो पाई, खास करके जो निर्वस्त्र करा करके परेड करवाने की घटना और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं। जब 70 दिन के बाद वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जो है पहली बार प्रधानमंत्री का जो है मुंह खुलता है इस मुद्दे के ऊपर, और जो प्रधानमंत्री ने प्रेस को संबोधित किया, मीडिया को संबोधित किया, वो और भी जो है जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कोई संवेदनशीलता दिखाने के बजाय एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जिस पर उनको स्पष्ट कार्यवाही का भरोसा दिलाना चाहिए था और वो कार्यवाही होनी चाहिए थी, हालांकि केंद्र सरकार को मालूम था ये घटना हुई है, राज्य सरकार को मालूम था घटना हुई है।